महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र एमफिल पीएचडी कर रहे हैं। फेलोशिप बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती है। तदनुसार इनमें से 408 छात्र दस्तावेजों की पूर्ति के बाद पात्र हो गए और उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय अनुसंधान छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। हालांकि राज्य भर के 408 छात्र पिछले 3 साल से फेलोशिप का इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे भले ही इस मुद्दे से वाकिफ हो, लेकिन वह इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इससे छात्रों की शोध प्रक्रिया बाधित हो रही है और छात्रों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिवाली तक छात्र के खाते में फेलोशिप की राशि जमा नहीं की जाती है तो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी पूरे महाराष्ट्र में एक उग्र आंदोलन करेगी। पीआरपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप जोगेंद्र कवाड़े ने एक चेतावनी दी। महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत बार्टी या संस्थेकडून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जी फेलोशिप दिली जाते ती फेलोशिप मागील 1 वर्षापासून आमच्या मागासवर्गीय समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही आहे। मी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीतर्फे अशी मागणी करतो, महाराष्ट्राचे सन्माननीय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे साहेबांना, की त्यांनी लवकरात लवकर आमच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फेलोशिप त्यांनी द्यावी, अन्यथा पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही उग्र आंदोलन करू आणि आमच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देऊ। धन्यवाद। जय भीम। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।